हनीसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? होपली सब अच्छे होंगे। मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में कहा था कि अब मैं आपके लिए ब्लॉग लेके आऊँगी, तो फाइनली मैंने आज ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। पता है इस टाइम मैं लगभग नहा लेती हूँ, बट अभी ना ऐसा हो गया कि हमेशा 5 बजे उठती हूँ ना, तो वही आदत हो गई। आज बहुत थकान से हो रखी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट उठूंगी, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। 5 बजे के बाद में जबरदस्ती ऐसे ही लेटी रही, तो 5:30 बजे उठी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मैं हो गई हूँ लेट थोड़ी सी। तो अब ना मैं सोच रही हूँ आज रूम की थोड़ी सी सफाई कर लूँ। किचन में तो मम्मी वो कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं आज ऊपर कर लेती हूँ। ये देखो कपड़े के ढेर लग रखे हैं, ये सारे समेटूंगी। यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, तो ये सारी क्लीन करते हैं, चलो फटाफट से। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मेरा रूम कितना ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सुबह जल्दी जल्दी में जो काम होता है, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कर लेते हैं, और जो लगता है कि कोई बात नहीं कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, ऐसे में वो फिर छोड़ देते हैं, तो पूरा रूम बिखर जाता है। और सुबह नई ड्रेस पहन के जाती हूँ शॉप में, फिर शाम को आके चेंज करती हूँ, ऐसे में 2-3 ड्रेसें तो मेरी दिन की ही हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कपड़े नहीं समेटे थे। हम लोग वहाँ पर खाटू श्याम जी के भी चले गए थे इस वजह से। तो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से अपन सारे कपड़े समेट के एक बार रूम सेट कर देते हैं। वैसे पता है इस रूम को कितना भी सेट कर दो, ये वापस वैसे के वैसे ही हो जाता है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि आप सबके साथ भी होता होगा। तो कोई बात नहीं, करते रहेंगे काम, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपनी रूम क्लीन करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइज, फाइनली रूम की सफाई करी, नहा धो के तैयार हुई, गौरन को माता पूछ के आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी बनवाने। कोहली बनवानी पड़ेगी मुझे, तो चलते हैं। बहुत भागम भाग मची है भाई साहब, बहुत भयंकर वाले। सो गाइज, फटाफट से जल्दी से मेहंदी बनवा के मैं आई हूँ घर। आज तो नॉर्मली मेहंदी बन पाई, क्योंकि मैं जिनसे मेहंदी बनवाती हूँ ना, मतलब जिनके घर पे गई, उन्होंने वैसे पहले ही मना कर दिया था मुझे कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज उनको कहीं पे जाना है, मतलब जयपुर जाना था उनको। बट मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे अर्जेंट है, तो उन्होंने हाँ बोला, इसलिए फिर थोड़ी सी बनवाई। उनकी गाड़ी आ गई थी चक्कर में, बट कोई बात नहीं, जैसी भी बनी अच्छी बनाई है उन्होंने। अब मैं जल्दी से घर पे आई तो पता चला यहाँ कोई नहीं है। अब मेरे एक हाथ के पैरों के मेहंदी लगानी थी, लेकिन मैं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ ना फटाफट। तब तक वो दूरवा और हिना भाई से आएंगे तो वो शूट करेंगे, उनके आने से पहले मेहंदी लगा के फ्री हो जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, फिर बस वीडियो ही बनाना रहेगा। फिर मेरे को शॉप पे भी जाना है, बताओ इतने सारे काम करने हैं मुझे। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर। घर आके फिर फटाफट से जो एक हाथ की मेहंदी बाकी रही थी ना, वो कम्प्लीट करी। तो मेरे जो पैरों की मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, उसका कलर अच्छे से नहीं आया, वो पॉन ख़राब हो रखा था, तो वहाँ भी दोबारा से अप्लाई करी। और इसके अलावा पता आपको, दुर्गा की तबीयत ख़राब हो रखी थी, मम्मी और हिना भाई सर उसको दिखाने के लेके आए, फिर उसको दवाइयाँ दी तो उसको उल्टियाँ हो गई, फिर थोड़ी देर उसको लेके बैठी, रो रही है वो अभी भी। मतलब अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको अपना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारी ड्रेस है ये, थोड़ा सा मेकअप तो देखो करना ही पड़ता है, वरना अच्छा लुक नहीं आता। और अच्छे लुक के लिए भी मैं इतना लेट हो गई, वरना मैं ये ड्रेस कब की, मतलब मुझे रील्स वगैरह बहुत पहले अपलोड करनी थी, बट क्योंकि प्रॉपर तरीके से तैयार होकर डालना है मुझे, इसलिए मैं लेट हो गई। तो चलो तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सो गाइज, मैं हो गई हूँ तैयार। दुर्गा के पापा का तो फोन ही आने लग गया है कि आप वहाँ से निकल गए हो क्या, अभी मेरे को शूट करने में लग जाएगा 1 घंटा, फिर चेंज करने में, फिर यहाँ से कोहली पहुँचने में, फिर बस से जाने में, यानी कि शॉप में शायद 3 बजे पहुँचूंगी, लेकिन 3 बजे के बाद में भी काफ़ी सारा टाइम रह जाता है, यानी कि मैं वहाँ पर जाके अपने रिप्लाई कर सकती हूँ, व्हाट्सअप के ऑर्डर ले सकती हूँ, तो इसीलिए जाना ज़रूरी है। और कल भी तो हम लोग ना जल्दी आ गए थे इस वजह से, तो बस अभी ना वैसे आ जाए, फिर अपन बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह। हमा गनीसा, तो मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी सी ये पोशाक का लुक देने वाला सूट लेके आई हूँ। मतलब ये है तो सूट, लेकिन आप पहनने के बाद में ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पोशाक पहनी हो। लुक आप इसका देख ही सकते हो कितना प्यारा रहा। पूरे सूट में आपको जो है उल्टी तारी और थ्रेड का वर्क मिल जाएगा, प्लस पूरी ओढ़नी में आपको वर्क मिलेगा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो इतनी रीजनेबल है, मतलब इसका जो वर्क देखते हो ये बहुत ही रीजनेबल हमने इसकी प्राइस रखी है। और प्लस इसमें आपको ना अस्तर की नीड नहीं है, आप इसको घर पे भी स्टिच कर सकते हो आराम से। आरी की मंगजी आपको करवानी पड़ेगी, अगर आप चाहो तो हम भी आपको करवा के दे देंगे, बट इसके अंदर आपको अस्तर नहीं लगवाना। और इतना लाइट वेट है ये, पहनने के बाद में बहुत प्यारा लग रहा है।
तो जैसे कि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो आप इस ड्रेस को जरूर बाय करना, एंड स्क्रीन पे मेरी नंबर आ रहे हैं तो आप फटाफट से स्क्रीन शॉट लेके डीएम करके अपना ऑर्डर बुक करवा दीजिए। थैंक यू। गाइस ये देखो मुझे लेने आए हैं पैदल पैदल। दुर्गा बोलते है ना मामा पैदल पैदल चला है, ये मुझे पैदल पैदल लेने आए हैं। मैं पहुंच गई तो भी अभी। अच्छा गाइस ये ऑफलाइन कस्टमर हैंडल नहीं कर पाते हैं, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात मैं ऐसे भी तो नहीं होते थे पहले पहले। अच्छा ये मेरे को लेने नहीं गए थे, ये अपना खाना लेने गए थे, भूख लग गई है इनको। अच्छा ये देख ये भी पता चल रहा है खाने की वैल्यू और मेरी। आज दुर्गा की भी तबीयत खराब हो रही गाइस, तो बिल्कुल भी मतलब अजीब सा मन हो रखा है। कितना अजीब बात है ना, पैसों के चक्कर में काम धंधे के चक्कर में बच्चे को टाइम नहीं दे पाता है। थोड़ी देर उसको बस लेके बैठी थी, थोड़ी सी देर ही, फिर अभी तो वो सो गई थी इसलिए आ गई फिर मैं। तो गाइस अभी हो गई शाम और हम लोग जा रहे हैं घर पे। मतलब बाहर का इतना टाइम हो गया ना, ये मौसम देखिए, ये बाहर की लाइटिंग देखिए। सुबह शॉप में आगे घुसते हैं जो 8:30 बजे के आसपास हम लोग घर जाते हैं वापस, इतना अंधेरा हो जाता है। और आज हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं कि जाएँ तब जाके, अब हम निकल रहे हैं तो आज भी हमें अंधेरा ही हो जाएगा अगर पहुँचेंगे तब तक। तो मैं सोच रही थी दुर्गा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा वापस चलते हैं जल्दी। ऑर्डर तो ज़्यादा मैंने लिए नहीं, सुबह शूट करने लगी थी फिर शॉप में आए ना वापस। चलो बाबू ना आत्मनी यहाँ में टमको चमक चमक पर्स ले रहा है क्यों सपना मायूली कल पर्स दिखे हो नहीं तुम्हें। ओ मनीष मेरे लगे मम्मी आई है। अच्छा आई कौन है बेटा, मम्मी तो जापा की तैयारी में। आवे चलना सेम टू सेम लाग रहे जूते भी सारे जी आने का, देखा बाल बुरा है।